हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 10th और 12th का 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना था, तो ये एग्जामिनेशंस अब नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, तो चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं क्लास के एग्ज़ाम को रद्द करने पर विचार कर रहा है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाएँ 1 से 15 जुलाई तक होनी है। चलिए आगे के भी न्यूज़ को हम देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं क्लास की परीक्षा को रद्द कर सकता है और छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तय हो सकता है। अब बच्चों, यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है आपके रिजल्ट निकाले जाएंगे। आपको पता होगा कि 2018 से पहले जितने भी रिजल्ट निकाले जाते थे उसमें स्कूल के तरफ से 60% जो होता था नंबर दे दिया जाता था और CGPA यानी कि ग्रेड के अनुसार रिजल्ट निकाला जाता था। तो हो सकता है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर सभी बच्चों का अब रिजल्ट निकाला जाए। तो चलिए आगे के भी न्यूज़ को देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों को बाद में बोर्ड एग्जाम देने का ऑप्शन मिल सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए परीक्षा का आयोजन अब मुश्किल लग रहा है। अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी CBSE को मंगलवार तक यानी कल तक जो है परीक्षा रद्द करने को लेकर फैसला लेने को कहा है। तो बच्चों, आप लोग को आज सोमवार है और कल मंगलवार है, तो इन दो दिनों के अंदर ही CBSE जो है अपना फैसला सुना देगा कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे के भी खबर के बारे में जानते हैं। कुल 29 विषयों की अभी परीक्षा होनी है, उसमें से 6 विषय की परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए होगी। ध्यान रहे कि 10वीं क्लास की परीक्षा सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाकों में होगी, क्योंकि वहां दंगे की वजह से छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे। 12वीं क्लास की परीक्षा पूरे देश के छात्रों के लिए होगी। वैसे देश के बाकी हिस्सों में 12वीं क्लास के सिर्फ 12 मुख्य विषयों की परीक्षा होगी, लेकिन दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उन 12 मुख्य विषयों के अलावा 11 और मुख्य विषयों की भी परीक्षा होनी है। ठीक है, चलिए आगे के बारे में और जानते हैं। लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएं स्थगित है, जैसा कि आपको पता ही होगा कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षिक संस्थान भी बंद हैं। पूरे देश में परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सभी राज्य में 1ली से लेकर 9वीं क्लास तक और 11वीं क्लास के छात्रों को परीक्षा के बगैर ही अगली क्लास में प्रमोट किया गया है। तो ये था बच्चों आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे भी और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आज और कल में आती है, क्योंकि आज और कल में CBSE के तरफ से ऑफिशियल बयान आने वाला है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगा तो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा आज और कल के बीच में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।